यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी ने लईने देश में चर्चा चाली रही है। त्यारे आ वच्चे सोमवारे कायदा मंत्रालय की संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मळी, जेमां विविध राजकीय पक्षों सांसदों भाग लीधो। आ बैठक की अध्यक्षता भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदीए करी हती, जेमां लो कमीशन भारत सरकार प्रतिनिधिओं ने बोलावामां आव्या। मीटिंग में यूसीसी शू छे अने केटलुं महत्वनुं छे ते अंगे चर्चा करवामां आवी हती। सोमवारे केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली प्रगति मैदान में मिली। आ बैठक में पीएम मोदी अध्यक्षता करी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, किशन रेड्डी सहित घना मंत्रीओ हाजर रहा। सूत्रों जणाव्या अनुसार आ बैठक केन्द्रीय मंत्री परिषद में जी फेरबदली की शक्यता ने लईने योजवामां आवी हती। साथ ज एनसीपी नेता अजित पवार अने तेमनी पार्टी धारासभ्यो भाजपा जोड़ाया पछी केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह अने पक्षना अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा व्यूहरचनाकारों साथ संकळायेला घणी बंद बारणे बैठक योजाई छे। खालिस्तान समर्थकों कैनेडा में भारतीय राजद्वारीओं ने धमकी आपी छे, जेनु एक पोस्टर सोशियल मीडिया में वायरल थयुं छे, जेमां 8 जुलाई खालिस्तानवादीओए जे रेली काढवानी पण वात कही छे। जे बाबते जोता भारते चेतवणी आपी छे कि जो कोई देश खालिस्तानवादीओं ने समर्थन आपशे तो तेनी सीधी असर भारत अने समर्थन आपनारा देशों पर पड़शे। तो पोस्टर में सामेल भारतीय राजद्वारी नाम पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहूं कि अमे कैनेडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जीवा अमरा सहयोगी देशों ने खालिस्तानवादियों ने जगह न आप विनती करे। महाराष्ट्र में राजकीय उथलपाथल बाद बिहार में राजकीय बयानबाजी जोर पकड़ू। सुशील कुमार मोदी कहूं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बढ़वो थानु कारण विपक्षी एकता की पटना में बैठक परिणाम है। टूंक समय में जनता दल युनाइटेड में नाजभाग मची जैसे। सुशील मोदीए राजकीय उथलपाथल दावा पाछळ तर्क आप कहूं कि बिहार में विद्रोह की स्थिति सर्जाई रही है, कारण कि नीतीश कुमार छेल्ला 17 वर्ष में क्या धारासभ्यों ने सांसदों ने मळवानो समय आप्यो नथी। पश्चिम बंगाल में पंचायत की चूंटणी प्रचार दरमियान हिंसा थई रही है। आ दरमियान बंगाल राज्यपाल सीबी आनंद बोज विविध हिंसाग्रस्त विस्तारों में पड़ी असरग्रस्तों ने मिली रहा है। आ मामले राज्यपाले जणाव्युं कि हूँ विविध स्थलों की मुलाकात लऊं छूं, कोनो वांग छे ते शोधवा नथी लेतो, परंतु सत्य शोधवा माटे मुलाकात लई रह्यो छूं। हूँ जो निवेदन आपू छूं ते भारत बंधारण ने अनुलक्षीने आपू छूं, राज्यपाल ने कामगीरी ने अनुलक्षीने आपू छूं। रिलायंस एडीए ग्रुप चेयरमैन अनिल अंबाणी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए कथित उल्लंघन ने लगती तपास माटे सोमवारे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी समक्ष हाजर थया। तेमणे कह्युं छे कि 64 वर्षीय अनिल अंबाणी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की विविध कलमों हेठ नोंधायेला केस में तेमनुं निवेदन नोंधवा माटे फेडरल तपास एजेंसी बेलार्ड एस्टेट विस्तार की ऑफिस हाजर थया हता। अनिल अंबाणी ने जे केस में समन पाठवामां आव्या हता ते अंगे वधु माहिती प्राप्त थई नथी। एनसीपी नेता शरद पवारे जणाव्युं हतुं के मने आवो घणो अनुभव छे, भूतकाळमां पण सांसदो पार्टी छोड़ीने जता रह्या हता, परंतु जे लोको पार्टी छोड़ीने गया छे ते लोको भूतपूर्व नेता थई गया अने जनताए मने फरी समर्थन आप्युं। मने आवो अनुभव 2-3 वखत थयो छे, लोको मारी नीतिने समर्थन आपे छे, आवुं 1988 पण थयुं हतुं, आवा नेताओ जाय तो हुं चिंता करतो नथी। महाराष्ट्र राजकारण में चाली रहे राजकीय ड्रामा हजू पण अटक्यो नथी। रविवार घटनाक्रम बाद एनसीपी बन्ने जूथ शरद पवार अजीत बन्ने एक बीजा पर प्रहारों कर रहा है, जहां एक तरफ शरद पवार ने एनसीपीए बड़वाकोर नेताओं सामे पगला लीधा है तो बीजी तरफ अजित पवार जूथे पार्टी पर पोतानो दाव ठोक्यो छे। तेमणे शरद पवार नजीकना लोकोने पद पर हटावी दीधा। सोमवारे सांजे योजायेली प्रेस कॉन्फरन्स में अजित जूथना नेता प्रफुल्ल पटेले जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदे थी हटावी ने पार्टी नो दाव कर्यो हतो अने कह्युं हतुं के स्पीकर ने कोईपण ने गैरलायक ठेलवानो अधिकार नथी। एनसीपी प्रमुख शरद पवारे महाराष्ट्र राजकारण विषे बात करता कह्युं, उद्धव ठाकरे नेतृत्व में अमे महाराष्ट्र में सेवा करी रह्या छीए, परंतु केटलाक लोकोने एनसीपी ने पड़ती मूकी, मात्र महाराष्ट्र में ज नहीं परंतु देश में दिल्ली, पंजाब, बंगाल ज्यां पण सरकार लोकतांत्रिक रीते काम करी रही छे तेना पर प्रहारो करवामां आवी रह्या छे, अमे बधानी सामे उभा रहेवानो प्रयास कर्यो छे। छत्तीसगढ़ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेले भाजप पर प्रहार
करवामां एक मोको नथी चूकता। आ बधा वच्चे सोमवारे फरी तेमणे भाजप पर प्रहार कर्या अने कह्युं छे के केन्द्रीय एजेंसीओए शिवसेनाना 18थी वधु नेताओ सामे तपास करी तेमनी जूथने तोड़ी नाख्युं छे। थोड़ा दिवसों पहला एनसीपीना नेताओं सामे तपास करवामां एनसीपी पण तोड़ी नाखी। भारतीय जनता पार्टी देश में कई रीते राजनीति करवा मांगे छे ते खबर पड़ती नथी। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी पहला महाराष्ट्र राजकारण में मोटी हलचल मची गई है। एनसीपी नेता जयंत पाटिले महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री तरीके शपथ लेनार अजित पवार और अन्य 8 नेताओं ने गैरलायक ठेरवा अरजी दाखिल की। एनसीपी 9 नेताओं ने गैरलायक ठेरवा अजित अरजी कराई है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मोकलवामां आवी अरजी की नकल केन्द्रीय चूंटणी पंच ने मोकलवामां आवी छे। महाराष्ट्र सतारा में एनसीपी नेता शरद पवार जणाव्युं के अमे उद्धव ठाकरे सरकार साथे मळीने प्रदेश की जवाबदारी संभाळी त्यारे केटलाक लोकोए अमारी सरकार उथलावी दीधी। आ प्रकारनी घटनाओ देशना अन्य राज्यमां पण बनी चूकी छे। केटलाक समूह धर्म अने जातिना आधारे देश अने समाजमां तिराड उभी करवा मांगे छे। अमारी विचारधारा सांप्रदायिकता अने जातिवादने प्रोत्साहन आपती नथी। महाराष्ट्र में राजकीय घटनाक्रम विषे बात करता एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेले जणाव्युं के अमे एनसीपी पार्टी छीए। प्रफुल्ल पटेले ज्यारे पूछवामां आव्युं के शुं तेओ दिल्ली जवाना छे त्यारे तेना जवाबमां तेमणे जणाव्युं के शपथ ग्रहण समारंभ बाद पहेलो दिवस छे अने अमे नक्की करीशुं। अमे दिल्ली जवा बाबते कोई चर्चा करी नथी। अमे मात्र महाराष्ट्र सरकार रचवा बाबते चर्चा करी हती। महाराष्ट्र में एनसीपी में थे भंगाण बाद भाजप नेता शाहनवाज हुसैने कटाक्ष में जणाव्युं के पटना में योजायेली बैठक की असर महाराष्ट्र में जोवा मळी। आ पहला अरविंद केजरीवाल ज्यारे विपक्षी दळों की बैठक छोड़ने गया था त्यारे पण आ बाबत सामे आवी हती। केटलाक राजकीय पक्षों छे के जेमणे विपक्षी दळों की बैठक में हाजरी आपी नहोती। विपक्षी एकता की सौगंध लेनार लोको महाराष्ट्र ने राजकीय घटना थी संदेश मळ्यो हशे। वडाप्रधान मोदी देश नेता छे एटले लोको तेमने समर्थन करे छे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जणाव्युं हतुं के विपक्ष नेता ने मान्यता विधानसभा अध्यक्ष आपे छे। कोईपण निर्णय लेता पहला विधानसभा अध्यक्षे तमाम नीति नियमों ने ध्यान में लेवा पड़े छे। अजित पवारे केटलाक धारासभ्यनुं समर्थन छे ए विषे मने कोई जानकारी नथी। उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउते दावो कर्यो छे के महाराष्ट्र ने नवा मुख्यमंत्री मळशे। एकनाथ शिंदे ने हटावामां आवशे। एकनाथ शिंदे साथे 16 धारासभ्य छे। तेमने गैरलायक ठेरवामां केस हजू पेन्डिंग छे। आ केस में धारासभ्य गैरलायक ठेरवा छे अने एटला माटे अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार में सामेल करवामां आव्या छे। भाजप कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना में भंगाण करवामां आवे छे परंतु त्यानाथी तेमने कोई खास फायदो थशे नहीं। महाराष्ट्र में अमे एक साथ लड़ीशुं। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने जणाव्युं हतुं के महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म थई चूक्युं छे। शिवसेना अने एनसीपी पार्टी खत्म थई गई छे। अन्य जग्या पर जोईए शुं थाय छे। आ गठबंधन नहीं परंतु ठगबंधन छे। भ्रष्टाचार करना लोको समान स्वार्थ ने ध्यान में राखीने गठबंधन बनावानो प्रयास कर्यो छे। आवा गठबंधन वैचारिक होता नथी के केटलाक लोको एवा पण होय छे जे राष्ट्रहित ने ध्यान में राखीने तेमांथी बहार निकळी जाय छे। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फरीवार एक थाय तेवा अनुरोध करता पोस्टर लगाव्या। पोस्टर में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे ना फोटो दर्शाववामां आव्या। आ विषे बात करता उद्धव ठाकरे समूहना नेता संजय राउते जणाव्युं कि महाराष्ट्र ना लोको अमारी साथे छे। लोको अमने समर्थन आपशे। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार में सामेल थया बाद अजित पवार ऊर्जा मंत्री छगन भुजबळ प्रदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मळ्या हता। सूत्रों पास थी मळती माहिती प्रमाणे आ मुलाकात दरमियान नेताओ वच्चे कैबिनेट में मंत्रिमंडल की वहेंचणी मुद्दे चर्चा थी हती। अगाउ अजित पवार पासे पाणी पुरवठो ऊर्जा अने नाणा मंत्रालय हतुं जो कि वर्तमान समय में आ त्रणे मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस पासे छे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ाए जणाव्युं के थोड़ा दिवसों पहला वडाप्रधान मोदीए कह्युं हतुं के 70,000 करोड़ रूपियानो भ्रष्टाचार करना लोको एक साथ बैठा छे तो महाराष्ट्र ने घटनाक्रम बाद त्यामां केटलो घटाड़ो थयो। भाजपे फेर एंड लवली स्कीम लागू करी छे।
भाजप लोकोने भ्रष्ट कहे छे, ईडी सीबीआई ने नोटिस मोकलावे छे अने पछी पोतानी पार्टी में सामेल करे छे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सोमवारे दिल्ली ना राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब कौभांड केस में चार्जशीट दाखिल करी छे। चार्जशीट में बिहार ना डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य लोगों ना नाम आरोपी तरीके सामेल कराया छे। राउज एवेन्यू कोर्टे आ मामले 12 जुलाई सुनावणी करशे। सीबीआईए नौकरी में जमीन कौभांड साथ संबंधित केस में पूर्व केन्द्रीय रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार ना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अन्य घणा लोगों नुं नाम चार्जशीट में दाखिल करायु छे। मोदी सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल थाय तेवी अटकळो जोर पकड्यु छे, जो कि आ मुद्दे कोईपण प्रकार की सत्तावार जानकारी नहीं। 29 जून रोज वडाप्रधान निवासस्थाने पीएम मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा वच्चे लगभग 4 कलाक बैठक चाली। वर्ष 2021 में पण केन्द्र सरकार मंत्रिमंडल में मोटा फेरफार करवामां आव्या हता। राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले उद्योग मंत्रीओ साथे करी बैठक। सूत्रों द्वारा मळती माहिती प्रमाणे मुख्यमंत्रीए एमएसएमई एटले के लघु उद्योगों प्रोत्साहन माटे बैठक करी छे। सरकार द्वारा आ बैठक में एमएसएमई ना केटलाक महत्वना मुद्दा पर चर्चा करवामां आवी। आ साथे ज आगामी वायब्रंट समिट में केवी रीते लघु उद्योगों ने प्रोत्साहन आपवू अने वधुमां वधु लघु उद्योग गुजरात में स्थापित थाय ते माटे केवा पगला भरवा ते मुद्दे चर्चा कराई। गुजरात की भूमि पर फिल्म जगत ने इन्फ्रास्ट्रक्चर ने वधु वेगवंतु करवा माटे राज्य सरकार द्वारा गत सप्टेम्बर मास में सिनेमेटिक टूरिज्म विभाग 2022-27 सुधी पॉलिसी जाहिर करी 1022 करोड़ एमओयू पर हस्ताक्षर कर्या। आ पॉलिसी हेठ गुजरात में जोवा लायक स्थलों ने वधु आगु स्थान मिली शके तेम छे। द्वारका जगत मंदिर में हवे थी 6 ध्वजा चढ़ावामां आवशे। द्वारकाधीश मंदिर देवस्थान समिति द्वारा निर्णय लेवामां आव्यो छे। अत्यार सुधी भगवान द्वारकाधीश शिखर पर 5 ध्वजा चढ़ावामां आवती हती अने आ परंपरा हती, जो कि हवे थी 5 ने बदले 6 ध्वजा चढ़ावामां आवशे। अषाढ़ सुद पूनम एटले के गुरु पूर्णिमा पर्व। गुरु पूर्णिमा एक गुरु नु पूजन तथा दर्शन करवामां आवे छे। आ पूनम मोटी पूनम गणाय छे। सोमवारे गुरु पूर्णिमा होवाथी अमदावाद ना नगरदेवी भद्रकाली जगन्नाथ मंदिर सहित विविध मंदिरों में सवारथी ज ये दर्शनार्थियों ने भारे भीड़ जोवा मळी। गुरुवंदना दिवस एटले गुरु पूर्णिमा। आ पावन अवसर पर राजकोट रणछोड़दास आश्रम खाते वहेली सवारथी ज भक्तों की लांबी कतारों जोवा मळी। साथे आश्रम खाते विविध धार्मिक पूजा विधिओनु आयोजन करायु। आ साथे ज रणछोड़दास आश्रम खाते भक्तोए आराधना करी धन्यता अनुभवी। आज गुरु पूर्णिमा है त्यारे समग्र सुरेन्द्रनगर जिल्ला में गुरु पूर्णिमा की उजवणी करवामां आवी। त्यारे आज लाखों हरिभक्तों की उपस्थिति में अखिल भारतीय अरबारी समाज धर्मगुरु गादी दुधरेज धाम खाते गुरु पूर्णिमा 2023 महोत्सव आयोजन करवामां आव्युं हतुं। समग्र भारत में हजारों हरिभक्तों की उपस्थिति में दुधरेज वडवाड़ा देवना स्थानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव की उजवणी कराई। अमदावाद जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा निमित्ते भक्तों की भारी भीड़ जामी। समग्र राज्य में लोग गुरु पूर्णिमा की उजवणी करने जे पोताना गुरु पास जता हो त्यारे जगन्नाथ मंदिर में वहेली सवार थी ज भक्तों जगतना नाथना दर्शने आया था। तेमज भगवान ने पण गुरु पूर्णिमा निमित्ते विशेष शणगार करायो हतो। गुरु पूर्णिमा ने लेने आज सुप्रसिद्ध यात्राधाम डाकोर में भक्तों घोड़ापुर उमटू। सवारे 5 कलाके रणछोड़ जी मंदिर में मंगला आरती तेमज काड़िया ठाकर दर्शन करवा भावी भक्तों उमटी पड़ा, जेना पगले पुलिस तंत्र तेमज आजूबाजू व्यापारी और भीड़ नियंत्रण करवामां बहु मुश्किली पड़ी। जो कि भारे भीड़ होवाने कारणे 2 भक्तों बेभान थता 108 बोलावानी फरज पड़ी। डाकोर खाते हिंदू धर्म सेना की स्थापना प्रसंगे कठलाल में प्रवचन करता अखिल भारतीय संत समिति गुजरात प्रदेश प्रमुख नैतम स्वामी जी बेभान थे। घना समय थी नैतम स्वामी वड़ताल सत्संग महासभा अध्यक्ष की जवाबदारी निभावी रहा है। राज्यभर में सतत प्रवास करने कारण सतत प्रवचन करने कारण तबियत लथड़ी होवानु अनुमान छे। तो राजकोट में गुरु पूर्णिमा दिवसे एक दुखद घटना सामे आवी। जिल्ला ना रीबड़ा गाम नजीक आवेल एसजीबीपी
गुरुकुल में धोरण 10 में अभ्यास करता विद्यार्थी देवांश भायाणी गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में स्टेज पर स्पीच आपती वेड़ाए ढड़ी पड़ता उत्सव शोक में फेरवायो। मृतदेह पीएम माटे राजकोट सिविल होस्पिटल खाते खसेड़ायो। राजकोट सिविल होस्पिटल डॉक्टरे जणाव्युं छे कि नानपणथी ज हृदयनुं भार वधवानी बीमारी हती जेना कारणे मृत्युनुं तारण छे। गुजरात में हवामान विभागे आगामी 3 दिवस मध्य थी भारे वरसाद पड़वानी आगाही करी छे। पश्चिम बंगाल में सर्क्युलेशन बनता सौराष्ट्र कच्छ सहित दक्षिण गुजरात में वरसादनी आगाही छे। 6 अने 7 तारीख पछी सौराष्ट्र तेमज सूरत अने भरूच में एकाद जग्याए भारे वरसाद पड़ी सके छे। 7 जुलाईए समग्र गुजरात में भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही छे। दक्षिण गुजरात जिल्लाओं में 7 जुलाईए भारे थी अति भारे वरसाद पड़ी सके छे। हवामान विभाग की आगाही अनुसार सौराष्ट्र के विस्तारों में भारती अति भारे वरसाद वरस्य मुजब यात्राधाम वीरपुर में धोधमार वरसाद खाबको। एक दिवस विराम बाद फरी वरसाद शुरू थो। सवार असह्य बफारा बाद गाजवीज साथ वीजड़ी कड़ाका भड़ाका साथ वीरपुर ग्राम्य पंथकों में वरसाद पड़ो तो वरसाद शुरू थतावरण में ठंडक पसरी थी। राजकोट जिल्लाना जेतपुर पंथक में भारे उकळाट बाद वरसादनो तोफानी बेटिंग शुरू थयुं। 2 दिवसना विराम बाद फरी विविध विस्तारों में वरसाद खाबक्यो। जेतपुर तालुकाना खीरसरा मेवासा अमरनगर देरड़ी सहित गाम में वरसाद नोंधायो। खेडूतों में वरसाद कारण कपास मगफड़ी सोयाबीन मग सहित उभा पाकों में नुकसानी की भीति छे। थोड़ा विराम बाद फरी एक बार गोंडल में वरसाद आगमन थयु। गोंडल पंथक तेमज आसपासना विस्तारों में गाजवीज साथ धोधमार वरसाद वरस्यो। गोरा कोटड़ा बांदरा देवचड़ी सहित गामों में सांज पछी धोधमार वरसाद वरसता ठेर ठेर जगह पानी भराया तो बांदरा गाम में 1 कलाक में सांबेला धार 5 इंच वरसाद नोंधायो। सौराष्ट्र खेड़ विस्तार में खेतर में वरसादी पानी भरावाने कारण खेडूतों ने भारे ताराजी थई छे। केड विस्तार में खेडूतों और नागरिकों ने थयेली मुश्किलों निहाळवा माटे प्रदेश कांग्रेस तरफ से सीनियर आगेवानों की एक टीम केड विस्तार की मुलाकात लेशे। असरग्रस्त विस्तारों ना लोकों ने शक्य ते तमाम मदद कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं और आगेवानों द्वारा कराशे। तो भावनगर जिल्ला में पण फरी एक बार वरसादी माहौल छवायो। भावनगर जिल्ला ना चिहोर तालुका में वरल तेमज महुआ तालुका में बगदाणा ठड़िया राजपरा सहित ग्राम्य विस्तारों में बपोर बाद धोधमार वरसाद वरस्यो। सतत पड़ी रहे वरसाद ने कारण स्थानिक नदियों में नवा नीर की आवक थी। अमरेली जिला धारी पंथक में 5 दिवस मेघराजा की पतरामणी थी चुकी है। त्यारे धारी पंथक में छेल्ला 5 दिवस जर मोरजर खींचा रशिया सहित गामों में वरसाद पड़ो। गीर पंथक गामडाओं में वरसाद ने कारण खोड़ियार डेम 2 दिवस में ओवरफ्लो थयो छे। सतत वरसादी वातावरण पर ठंडुगार बन्यो। अमरेली जिल्ला में साकरोड़ी डेम ओवरफ्लो थता 10 मस्तो प्रवाह पाड़ा उपर वहेतो थयो। साकरोड़ी डेम ओवरफ्लो थवाने 2 दिवस थया छे त्यारे 10 मस्ता प्रवाह माथी जीवनना जोखमे जे लोको पसार थता होय तेवो वीडियो वायरल थयो। तंत्रनी कामगीरी सामे सवाल उठ्यो। वीडियो वायरल थता डेम परना अधिकारी के कर्मचारी सामे प्रश्नार्थ सर्जायो। जूनागढ़ जिल्लाना माळिया हाटीना देवगाम गामे एक ट्रेक्टर अने एक मोटरसाइकल तणायु हतुं तो माहिती मुजब हिरणवेल अने देवगाम वच्चे आवेला भेरिया नाकामां बाजुमां कोजवे उपरथी एक ट्रेक्टर अने मोटरसाइकल पसार थया। ट्रेक्टरमां सवार ड्राइवर जार पर लटकी जता ज्यारे बाइक सवारना हाथमां वडलानी वडवाई आवी जता बन्नेनो आबाद बचाव थयो। गीर सोमनाथ जिला में भारे वरसाद पड़ता खेडूतों खेतर में पानी भराया जेना लीधे समग्र गीर सोमनाथ जिला की अंदर खेडूतों ने सोयाबीन मगफड़ी नारियर तेमज कठोंड सहित पाकों तेना वावेतर में भारे नुकसान थयुं छे। जेना पगले राज्य सरकार और समग्र गीर सोमनाथ जिला वहीवटी तंत्र ने खेडूतों खेतर में जे वहली तके सर्वे कर योग्य वर्तर चूकवामां आवे तेवी खेडूतों द्वारा मांग कराई छे। राज्यना पाटनगर गांधीनगर जिल्ला में मेघमहर थवानी साथे ज खरीफ पाकनु वावेतर शुरू थई गयु छे। गांधीनगर खाते अंदाजित 42,000 हेक्टर थी वधु 33% विस्तारों में खरीफ पाकनु वावेतर थयु छे। माणसा तालुका में 47.50% विस्तार साथे सौथी वधु ज्यारे कलूर तालुका में 15% जेटलू सौथी ओछू वावेतर थयु छे। गांधीनगर जिल्ला में कपासनु वावेतर 17,937 हेक्टर में जोवा मळ्यु ज्यारे मगफळीनु वावेतर
7400 हेक्टर में जोवा मळ्युं। दारीना चलाला गामे यूरिया खातर में जे डेपो में खेडूतोनी लांबी लाइनों जोवा मळी, खातरनी अछत सर्जाता खेडूतोनी लांबी लाइनों लागी। इप्को नैनो यूरियानो डेपो पर मोटी संख्या में खेडूतो यूरिया खातर लेवा माटे आवता खातरनी अछत सर्जाई हती। चलाला में इप्को नैनो यूरियाना डेपो पर तेमज अन्य एग्रोनी दुकानों पर खातर लेवा माटे खेडूतोए पड़ापड़ी करी। वधु एक जर्जरित इमारतनो स्लेब धराशायी थवानी घटना सामे आवी छे। वलसाडमां निधि एपार्टमेंटनो स्लेब धराशायी थयो। दुर्घटनामां चार लोकोने इजा पहोंची छे। फ्लेटमां भाड़ेथी रहेता परिवारना सभ्यो फसाया हता, तो फायर ब्रिगेडनी टीम घटनास्थळे पहोंची फ्लेटमां फसायेला लोकोने बहार काढवानी कामगीरी हाथ धरी हती। राजकोट मनपानुं फायर स्टेशन ज जर्जरित हालतमां जोवा मळ्युं, त्यारे जर्जरित फायर स्टेशन मुद्दे चीफ फायर ऑफिसर आईबी खेरे निवेदन आपता कहूं कि नव बिल्डिंग बनावा माटे टेंडर प्रक्रिया थई छे, जे अंगे बजेटमां पण जोगवाई कराई छे। फायर स्टेशन में 100 जवानों कार्यरत छे, त्यारे नव बिल्डिंग बनवाना टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई। हाल बिल्डिंग जर्जरित होवाथी तमाम स्टाफ ने सलामत स्थळे खसेडायो छे। पाटण शहर में जलाराम मंदिर चौक थी वाया कर्मभूमि लीलीवाड़ी तरफ जवानो रस्तो मरामत, पेचवर्क, सीसी रोड तथा नवीनीकरण माटे बे बे वार खातमुहूर्त छता प्रजा माटे आ जाहेरात मात्र कागळ पर ज रही गई छे। बे वर्ष बाद पण एक इंच वरसाद आवे तो वरसादी पाणी खाडामां भराता वाहन चालको अने राहदारीओने भारे मुश्केलीनो सामनो करवो पड़े छे। सुरेन्द्रनगर एसटी बस स्टेन्ड रखड़ता ढोरो माटे आश्रय स्थान बन्यु छे, तेना कारणे मुसाफरोने भारे हालाकी पड़ी रही छे। लाखोना खर्चे निर्माण पामेल एसटी बस स्टेन्ड छे, ते हजु बे महिना पहेला ज मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेलना हस्ते तेनुं लोकार्पण करायुं हतुं, परंतु तंत्रनी योग्य देखरेखना अभावने कारणे बस स्टेन्ड पशुओनो अड्डो बन्यु छे। साबरकांठा सहकारी राजकारण में हड़कंप जोवा मळ्यो। साबरकांठा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक की चूंटणी में बैंक वर्तमान चेरमन सहित 45 उम्मीदवारों फॉर्म रद्द थता राजकारण गरमायु छे। बैंक चेरमन महेश पटेल फॉर्म पण रद्द करायु छे। मळती माहिती प्रमाण आरबीआई की गाइडलाइन आधार मंत्री जे मंडळीओ छे तेमना लेणा बाकी होवाने पगले फॉर्म रद्द करायु। पंचमहाल जिला पंचायत की सामान्य सभा में भारे होबाळो थयो। जिला पंचायत में प्रमुख कामिनी सोलंकी सामे पंचायत सभ्योए भारे आक्रोश व्यक्त कर्यो। सामान्य सभा में होबाळो थता मोटा भागना सभ्योए वॉकआउट कर्यो। ग्राम्य विस्तारों में 15मा नाणा पंचनी ग्रांट फाळवणीने लईने सभ्योए जिला पंचायत में प्रमुख सामे नाराजगी व्यक्त करी। बरोडा डेरीना प्रमुख अने उपप्रमुखनी चूंटणीना परिणामों जाहेर करवामां आव्या छे, जेमां प्रमुख तरीके सतीश निशाड़ियानी वरणी अने उपप्रमुख तरीके जीबी सोलंकीनी बिनारी वरणी कराई। बाबर मार्केटिंगनी बीजी टर्मनी चूंटणी योजाई हती, जेने कारणे मार्केटिंग यार्डमां राजकीय गरमाव जोवा मळ्यो। खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समितिनी खेडूतो हित माटे खेडूतोना रक्षण करवा माटे संस्था छे, परंतु वर्तमान समयमां खेडूतो करता राजकीय हितोने वधारे महत्व आपवामां आवे छे। एपीएमसी चेरमेन 8 वर्ष पूर्ण थता बीजी टर्मनी चूंटणी योजाई हती। दाहोद वडोदरा बस कंडक्टरे दारू पीने दंगल मचाव्यो हतो अने त्यारबाद तेने आखरे सस्पेन्ड करायो छे। गईकाले दाहोद वडोदरा बसना कंडक्टरे बस माथे लीधी हती। पीधेला कंडक्टरे पेसेन्जरो साथे अभद्र व्यवहार कर्यो। कंडक्टर एटलो पीधेलो हतो के चालवाने बोलवानुं पण भान नहोतुं। बसना कंडक्टरे पैसा लई पेसेन्जरने टिकिट पण नहोती आपी। बसमां सवार मुसाफरे वीडियो उतारी वायरल करता कार्यवाही थई। अमदावादना मेघाणीनगरमां गर्भवती महिलानुं मोत थता परिवारजनोए होबाळो कर्यो। डॉक्टरनी बेदरकारीथी महिलानुं मोत थयुं होवानो परिवारनो आक्षेप छे। महिलाना चेकअप माटे आव्या हता त्यारे डॉक्टरे महिलाने दाखल करी, जे बाद सारवार दरमियान महिलानुं मोत थयुं। नवसारीना विजलपुर विस्तार में भरबपोरे एक युवान पर अजाण्या ईसम द्वारा जीवलेण हमलो कराता पंथक में चकचार मची गई है। शहरना कृष्णानगर विस्तार में रहता धर्मेश सोलंकी पर अजाण्या ईसम द्वारा हमलो करवामां आव्यो। इजाग्रस्त हालत में युवक ने नवसारी सीविल होस्पिटल में खसेड़वामां आव्यो हतो, ज्यां तबीबे तेने मृत जाहेर कर्यो। भरूच जिल्लाना झनोर पासे थयेल 1.25 करोड़ उपरांतनी सोनानी लूटनो मास्टर माइंड मुंबईथी झड़पायो।
चेन्नई में लूंटनी घटना ने अंजाम आपे ते पहला ज भरूच एलसीबीए नीरव उर्फे रवि शाह ने झड़पी पाड्यो छे। सूरत में टीवी सीरियल में काम करता युवक की रांदेर पुलिसे धरपकड़ करी। आरोपी अहमद छूटा पैसा आपवाना बहाने अलग अलग दुकानदारों पास छेतरपिंडी करतो हतो। रोकड़ा नाणा लई आरोपी फरार थई जतो हतो। अहमद की धरपकड़ बाद रांदेर पुलिस ने तपास में छ गुना भेद उकेलायो छे। आरोपी पासेथी आईफोन मोबाइल मोपेड सहित कुल 1.65 लाख नो मुद्दामाल जप्त करायो। चार राज्य में हाहाकार मचावनार चोर ने नवसारी एलसीबीए झड़पी पाड्यो छे। आरोपी धोड़ा दिवसे चोरी करवामां मास्टरी धरावतो हतो। त्यारे एलसीबीए मूळ नंदुरबारना रहेवासी जिमी उर्फे दीपक शर्मा गांधी फाटक पासेथी तेनी धरपकड़ करी। चोर अनोखी रीते चोरीनी मॉडस ऑपरेटिव अपनावी 51 चोरीने अंजाम आपी चूक्यो छे। तो बनासकांठा में एक ज दिवस में अकस्मात की बे घटना सामे आवी। तानेरा बाद थराद सांचोर हाईवे पर गमतवार अकस्मात सर्जायो। थराद ना दुधावा रोड पर ट्रक की अड़फेटे एक्टिवा सवार बे युवती ना मौत थया छे। तो बे युवती ने गंभीर इजा पहुंचता सारवार माटे खसेड़ाई। अकस्मात नो भोग बननार बन्ने युवतीओ थराद ना अभेपुर गामनी रहेवासी होवानुं सामे आव्युं छे। रामायण काल में प्रभु श्री रामना અને સબરીમાલા જે પાવન ચરણોથી પવિત્ર ભૂમિ એટલે દંડકારણ્ય જે આજે ડાંગ જિલ્લા તરીકે ઓળખાય છે। ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસીઓ માટે વર્ષનો સૌથી પ્રથમ તહેવાર એટલે તેરાનો તહેવાર વિવિધ કુદરતી વનસ્પતિઓ તથા કંદમૂળો અહીંના જંગલોમાં પ્રાપ્ત છે, જેનો ઉપયોગ અહીંના લોકો ખોરાક તેમજ આયુર્વેદિક ઉપચાર માટે કરે છે। પ્રકૃતિને ભગવાન માનનારી આ પ્રજા વર્ષોથી પ્રકૃતિ